So welcome everyone. I would like to introduce with one of our rankers of IMS Gate Academy, Dheeraj, who secured All India Rank 9. Dheeraj, a big congratulations for your grand success in Gate 23. Thank you very much, sir. Dheeraj, kaisa lag raha hai aapko itni achhi rank paakar? Sir, bahut khushi ho rahi hai. Maine socha nahi tha ki meri single digit rank aayegi. Oh, Dheeraj, that's a lovely answer. लेकिन आपके हार्ड वर्क के लिए मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम द आईएमएस गेट एकेडमी. धीरज, आई वुड लाइक टू नो फ्यू थिंग्स अबाउट योर जर्नी, हाउ यू हैव रिटन गेट एग्जामिनेशन एंड देन व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी. ऑल दोस थिंग्स आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू. सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन. धीरज, व्हाट इज योर एकेडमिक बैकग्राउंड, फ्रॉम वेयर यू डिड योर ग्रेजुएशन? सर, करंटली मैं अभी अपने बीटेक के फोर्थ ईयर में हूं. एनआईटी त्रिची से मैं अपनी बीटेक कर रहा हूं. जी, एनआईटी त्रिची से आप बीटेक कर रहे हैं. धीरज, आपकी गेट रैंक किस गेट स्कोर पे मिली आपको? मेरा गेट स्कोर था 976. और आपकी गेट रैंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है और ऑल इंडिया रैंक 9 आपको मिली. सो धीरज, कैन यू गिव मी समथिंग कंपैरेटिव कि AIR 1 और AIR 9 में क्या डिफरेंस रहा इस बार मार्क्स और स्कोर का? सर, AIR 1 के मार्क्स हैं 90 पॉइंट समथिंग. ओके, और आपके कितने हैं? एंड मेरे मार्क्स हैं 83.3. ओनली 9 मार्क्स के डिफरेंस में 9 डिजिट रैंक का डिफरेंस है. मतलब आप अगर 2 या 3 क्वेश्चन और वहां ठीक किए होते तो ऑब्वियसली आपकी रैंक भगवान की दया से और अच्छी हुई होती. ठीक है. सो धीरज, हाउ वाज योर गेट जर्नी, मींस हाउ यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन? प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दैट. सर, मैंने अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में, अराउंड फेब के अराउंड. तो लास्ट ईयर तो मैं अपना गेट नहीं दे पाया था क्योंकि कोविड का पीक आ गया था उस टाइम पे, और मैंने अपना गेट का सेंटर दिया था कॉलेज का, तो उस चक्कर में नहीं दे पाया अपना गेट का एग्जाम. तो मैंने गेट की प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट करी मार्च में फ्रॉम स्क्रैच. तो स्टार्टिंग में मैं स्टार्टिंग में 3 सब्जेक्ट्स पैरेलली करता था क्योंकि उस टाइम मुझे ज्यादा टाइम मिलता था पढ़ने का. तो सुबह का 1 स्लॉट 3 घंटे का, दोपहर का 1 स्लॉट 3 घंटे का, और शाम का 3 घंटे का 1 स्लॉट. तो 3 सब्जेक्ट्स को मैं पैरेलली करता था. तो फिर ये 3 स्लॉट्स का टाइम मैं करता था मई तक. फिर मई में मेरी इंटर्नशिप थी बजाज में, तो इसके दौरान मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था. तो उस टाइम मैंने सिर्फ मैथ्स और एप्टीट्यूड पे ध्यान दिया 2 महीने तक. फिर अगेन अगस्त से मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करी, उसमें अगेन मैंने 3 सब्जेक्ट्स को पैरेलल ले लिया, और ये मेरा सिलेबस जो था कंप्लीट हो चुका था अक्टूबर एंड तक. तो मेरे पास 3 महीने थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, रिवाइज करने के लिए और टेस्ट सीरीज देने के लिए. तो इस टाइम पे मैं टेस्ट सीरीज देता था सब्जेक्ट वाइज, जिसमें फुल लेंथ सब्जेक्ट होता है पूरा, वो टेस्ट सीरीज देता था, और वीकेंड पे सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करता था. So, धीरज, मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपने मार्च से वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, देन मई जून में आपकी इंटर्नशिप रही आई गेस. उसके बाद फिर अगस्त में आपने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करी. सो ऑलमोस्ट आपने 5-6 मंथ्स में एंटायर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एंड देन आपने डेडिकेटेड 3 मंथ्स रखे सब्जेक्ट रिविजन के लिए. मोटे तौर पे आपने एक सब्जेक्ट को कितने बार टच किया होगा धीरज, बिफोर गेट एग्जामिनेशन, इफ आई टॉक अबाउट रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स? सर, इंक्लूडिंग रिवीजन मैंने एक सब्जेक्ट को 6-7 टाइम्स करा होगा. 6-7 टाइम्स आपने हर एक सब्जेक्ट को टच किया, और इसमें थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कितना परसेंट उसमें थ्योरी रिवीजन होता था और कितना परसेंट न्यूमेरिकल रिवीजन होता था? सर, ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग है. जैसे जिसमें सब्जेक्ट में थ्योरी ज्यादा है उसमें 60-70% थ्योरी थी और 30-40% न्यूमेरिकल, और जो न्यूमेरिकल जिसमें ज्यादा आते हैं सब्जेक्ट्स में उसमें 50-50 का रहता था रेशियो. ओके, मतलब आप पैरेलली थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को साथ में रिवाइज करते चला करते थे. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. व्हाट आर द रियल चैलेंजेस? जैसा मैं देख पा रहा हूँ धीरज, ऑलमोस्ट आपने 1.5 ईयर्स इस प्रिपरेशन को दिया, काफी पेशेंस लगा होगा पहली चीज तो. दूसरा, what are the common challenges that you have faced during these 9 months of your GATE preparation? Sir, one of the biggest challenges मैंने face किया था वो था कि जब मैं test series देता था तो उसमें मेरी सिली मिस्टेक काफी ज्यादा होती थी. मैं क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाता था, उसमें यूनिट नहीं देख पाता था कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में किस यूनिट में आंसर मांग रहा है. तो उसमें मेरी काफी मिस्टेक होती थी, या फिर जो फॉर्मूले होते हैं मैं उसको गलत लगा देता था फॉर्मूले. तो फॉर्मूला याद करने में काफी दिक्कत होती थी.
तो इसके लिए मैं क्या करता था, जो फॉर्मूला मुझे याद नहीं आता था उसको मैं एक पेपर पे लिख के दीवार पे पेस्ट कर देता था और उसको रोज रिवाइज करता था। तो जिससे मेरे फॉर्मूला टिप्स पे आ गए थे। और जो सिली मिस्टेक्स के लिए, सिली मिस्टेक्स के लिए मैं पेपर दोबारा देता था और उसको एनालाइज करता था कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, किस कॉन्सेप्ट में गलती हो रही है, उसको दोबारा पढ़ता था मैं। ये आपने तो इससे काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है धीरज यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज एनालिसिस का, बिकॉज हम अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रिसाइजली ये बोलते हैं कि आप टेस्ट एनालिस कर अपने आप को एनालाइज करने के लिए दीजिए। तो इस एनालिसिस के बारे में थोड़ा मेरे को और जानना है आपसे, आप कैसे करते थे इसको? सर, जैसे मैंने सुबह टेस्ट दे दिया 3 घंटे का, तो उसके बाद कम से कम 3 घंटे में एनालाइज करता था। एनालाइज करने में कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट मेरे वीक हैं, कौन कौन से मेरे फॉर्मूले नहीं याद आ रहे हैं, बार बार भूल जा रहा हूँ मैं कौन से फॉर्मूले, उसको एक पेपर में लिख के एक कॉपी बनाता था मैं, पूरी जी, मिस्टेक्स की कॉपी, और उसको भी रिवाइज करता था मैं। उसको देख के ही आप अपना रिवीजन और अच्छी तरीके से प्लान आउट कर पाते थे, क्योंकि आपने की एरियाज टारगेट कर लिए थे जहां पे आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन की जरूरत थी। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, ऐसे कुछ फॉर्मुलेज होंगे जो बार बार आप भूल रहे थे, तो आई गेस वो आपके क्लियरली आइडेंटिफाई हो गए इस एनालिसिस पार्ट से आपके टेस्ट सीरीज। यस सर, राइट सर। तो धीरज, व्हाट आई वुड लाइक टू नो नेक्स्ट इज कि यू आर एसोसिएटेड विद अस फॉर सच अ ड्यूरेशन, हाउ आईएमएस गेट एकेडमी हैज हेल्प्ड यू ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन जर्नी? सर, आईएमएस के मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे से टीचर्स ने एक्सप्लेन किए हैं कॉन्सेप्ट, और जो टेस्ट सीरीज है आईएमएस की वो भी काफ़ी अच्छी है। उसके जो क्वेश्चंस के क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं अपने आप, तो वो भी रिविजन में काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं उनके जो टेस्ट सीरीज हैं। यहाँ पर धीरज मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, मेंटरिंग सेशंस, आईएमएस गेट एकेडमी एक लौता इंस्टीट्यूट है जो अक्रॉस द इंडिया प्रोवाइड करता है, उन वन टू वन मेंटरिंग सेशंस ने आपको कैसे हेल्प किया, जहाँ फैकल्टी आपसे डायरेक्ट बात किया करता था अबाउट योर स्ट्रैटेजी एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी ऑल दोस थिंग्स, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए। यस सर, सर जो मेंटरिंग सेशन है आईएमएस गेट एकेडमी का वो काफ़ी अच्छा है। उसमें टीचर्स वन टू वन इंटरेक्ट करते हैं और उनको स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्वेश्चंस करने के टाइम उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं गेट के एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। That is a really nice answer, धीरज। हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं आपको सामने एज अ रोल मॉडल देखते हैं, कुछ टिप्स दीजिए उनके लिए कि जिनने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है उनको कैसे स्टार्ट करके उसको कंटिन्यू कैसे रखना है ताकि काफी प्रोडक्टिव ईयर निकले उनके लिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, उनको बस अभी अपना हार्डवर्क करना चाहिए, बिल्कुल अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। धीरज जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि मैंने देखा इस बार भी स्टूडेंट्स को कि सिर्फ उनने रिजल्ट की चिंता करके एग्जाम को ही बिगाड़ लिया। तो हाँ सर, रिजल्ट वो की चिंता ना करते हुए जर्नी पे फोकस करें, जर्नी को एंजॉय यस। करें, वही इंपॉर्टेंट है आई गेस। और सर, टेस्ट सीरीज में कभी कभी कम मार्क्स आ जाते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, उसको एनालाइज करने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब टेस्ट सीरीज आप अपना पर्सनल एनालिसिस करने के लिए दें, ये चेक करने के लिए नहीं दें कि आपकी मार्क्स कितने आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। सो धीरज, आफ्टर गेटिंग सच अ ब्यूटीफुल रैंक, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, क्या करना चाहते हैं आप उसके बाद? सर, मैं पीएससी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हूँ, ओके, सो तो यू, मैं ओएनजीसी या फिर आईओसीएल, इन दोनों में से किसी को ज्वाइन करूँगा। सो ऑल द बेस्ट धीरज फ्रॉम आईएमएस गेट एकेडमी, मे योर करियर फ्लरिश लाइक एनीथिंग एंड यू डू वेरी वेल इन योर लाइफ। तो थैंक यू सो मच धीरज फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर व्यूज, sharing your ideas regarding the gate preparation journey. Thank you so much, Dheeraj, for joining us. All the best. थैंक यू वेरी मच सर।